बहुत अच्छा है, पर आप 5 साल में साबित कर दिया हम सब ने कि सबसे अच्छा प्लान और सबसे अच्छे प्रोडक्ट हमारे। दोस्तों, जब शुरू शुरू में मोदी जी ने कहा ना प्रधानमंत्री बनना है, तो लोगों के दिमाग में बड़ा डाउट था, बनेगा, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे नहीं करेंगे। किसी ने दिल से वोट दी, किसी ने दिमाग से दी, और किसी ने नहीं। पर जब 5 साल बाद आया ना भाई, आ गया, तो पिछली बार से ज्यादा सीटें लेके आया, मतलब समझ गए। अरे 5 साल पहले अपने बारे में बताना पड़ता था, आज हमारे बताने को, हमारे बारे में बताने वाला एक बहुत बड़ा काफिला है, बहुत दुनिया है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हमने क्या किया, ऐसे ऐसे रिजल्ट, ऐसे ऐसे रिजल्ट मैं नहीं बताऊंगा। क्या इस भीड़ में कुछ लोग हैं जो आके मुझे कोई टेस्टिमोनियल दे सकते हैं, क्रिटिकल टेस्टिमोनियल दे सकते हैं कुछ लोग ईमानदारी और सच्चाई से? लीडर बुलाओ। मैं आप लोगों के सामने कुछ लोगों को रूबरू कराऊंगा जो बताएंगे क्या क्या रिजल्ट आते हैं। अरे जहां साइंस फेल हो गई, वहां तुम्हारा हिंदुस्तान का आयुर्वेद पास हो गया। दोस्तों, नीचे खड़े कर लो सबको। इस आयुर्वेद में बहुत दम है, ये बहुत पुरानी परंपरा है, पर ये दम जब दिखाता है जब इसे दिलदारी से बनाया जाता है, ये दम जब दिखाता है जब इसे नेक नियत ईमानदारी सच्चाई से बनाया जाता है। क्योंकि कहते हैं आयुर्वेद भाव से चलता है, अगर नेगेटिव भाव होगा तो प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं देगा, और अगर सच्ची आत्मा से बनाया होगा तो प्रोडक्ट हर परेशानी में, हर समस्या में रिजल्ट दे सकता है। ये ताकत है आयुर्वेद की। हमसे पहले बहुत लोग बना रहे भाई, 200 साल से बना रहे, 200 साल से, हम तो 5 साल से बना रहे हैं। जो 200 साल से बना रहे हैं आज तक वो भी वो रिजल्ट नहीं दे पाए जो हमने 5 साल में दिया। क्यों? हमने प्रोडक्ट बनाते समय कभी गद्दारी नहीं। हमारा बिके ना बिके, लोगों को हमारा भाव समझ में आए ना आए, हमारा रेट किसी को जचे चाहे ना जचे, कोई खरीदे चाहे ना खरीदे, पर एक कसम हमने खाई थी कि जीवन में प्रोडक्ट बनाते समय हम कभी बेईमानी और गद्दारी नहीं करेंगे। क्या आप सब लोग मेरी बात से सहमत हैं? yes! क्या मेरी बात से सहमत हैं? yes! क्या मेरी बात से सहमत हैं? yes! और जब तक ये दुनिया सृष्टि रहेगी, ऐसी क्रिया से कभी अपने लोगों के साथ गद्दारी नहीं करेगी, कभी प्रोडक्ट के साथ समझौता नहीं करेगी। ऐसे ऐसे रिजल्ट, ऐसे ऐसे रिजल्ट जब लोग मुझे फोन करके बताते, अरे हमारी कंपनी में लोग पैसा लगवाते नहीं है, पैसा बचाते हैं। 2.5 लाख की आप समस्या किसी की 10,000 में ठीक होती है, किसी की 20 लाख की समस्या 20,000 में ठीक होती है, अरे किसी किसी की तो 30-30 लाख की समस्या 15-20 हजार में ठीक होती है। ये दुनिया की पहली कंपनी है जहां लोग पैसा लगवा कर नहीं, दुनिया का पैसा बचवा कर भी अरबपति करोड़पति बन रहे हैं। ये दुनिया की पहली कंपनी है। दोस्तों, मैं चाहता हूं भंडारी जी 4-5 लोगों को भेजो, ईमानदारी से बताएंगे। मैं आप लोगों से रूबरू कराऊंगा, सर इनका घर, इनका एड्रेस, इनका पता लेके जाओ। जो नए लोग आए हैं, हमारे पुराने लोगों को कोई शक नहीं है, पुराने लोगों को कोई डाउट नहीं है, किसी नए आदमी को डाउट हो सकता है कि आखिर एसली बेस्ट के प्रोडक्ट इतने रिजल्ट क्यों देती है। सर मुझे भी डाउट है कि हमारे प्रोडक्ट इतने रिजल्ट क्यों देते हैं, ये डाउट मुझे भी है, लेकिन परमात्मा को कोई डाउट नहीं।
परमात्मा तो नियत देखता है मेरे दोस्त और बरकत अपने आप दे देता है। दोस्तों मुझे नहीं पता, इनको तो मैं जानता हूं, तो अहमदाबाद में मिले थे, इनको नहीं जानता, ये अपने आप बताएंगे कुछ चमत्कारिक रिजल्ट एसली पी एस ने क्या किया है। ये बताएंगे तुम कंपनी में नहीं किसी महायज्ञ में हो, तुम कंपनी में नहीं किसी अच्छी नियत के साथ काम कर रहे हो, कंपनी में नहीं किसी अच्छी सोच के साथ काम कर रहे हो। मैं चाहता हूं सर आप बताओ, दोस्तों नमस्कार, मैं सर अलवर डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील से हूं सर, मेरा नाम पप्पी राम और सर ये मेरा बच्चा है, आज 14 साल से ऊपर का है, 6 महीने का था तब से इसको हीमोफीलिया घोषित कर दिया गया था, जो डॉक्टर के माध्यम से लाइलाज बीमारी घोषित कर दी, जिसका साइंस के पास ही कोई इलाज नहीं है, और उन्होंने बोल दिया था इस बीमारी का कोई निवारण नहीं है, जब भी इसको चोट लगेगी तो आपको ये जयपुर जयकंड हॉस्पिटल में लाना ही पड़ेगा। इस बच्चे को कम से कम महीने में 4-5 बार मुझे ले जाना पड़ता था जयपुर, वहां से मेरे कई लाख रुपए खर्च हो गए, तब से मुझे एसलीपीएस पहले प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिली, उसके बाद मैंने इस संस्था पर आर्मी की संस्था पर विश्वास किया और मैंने इस बच्चे को प्रोडक्ट चालू किए। जो बच्चा खाट में से खड़ा नहीं होता था, टूका एक टूका खाता था, जिस बच्चे को गोद में बैठा लेके दूसरी जगह ले जाया था, मैं बहुत दुखी था, तब से इन प्रोडक्ट को दिए हैं सर मैंने एसएलपीएस पहले प्राइवेट लिमिटेड के, तब से मेरे बच्चा यहां से दूसरा नया जीवन दान मिला है। आपके सामने आराम लगा आपके बच्चे को? बिल्कुल सर। किराए पे तो नहीं लाया कोई आपको? पैसे देकर तो नहीं लाया? सच बोलो, खाओ माँ की कसम। माँ की कसम सर। अपनी माँ की कसम खाओ, मेरी माँ की कसम खाओ। मेरी माँ की कसम, ये सच है? सच है सर। इससे बड़ा चमत्कार इस धरती पे अभी तक किसी ने नहीं किया। और सर झूठ बोलो सर, मेरे काम आके, मेरा काम दुधेरी तहसील का ढूंढर है। थैंक यू सर, थैंक यू मेरे भाई। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र राजगुरु है, मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और जोधपुर एम्स का नाम सुना हो, जोधपुर एम्स में ऑन ड्यूटी पोस्टेड हूँ, और जोधपुर एम्स में एक पेशेंट आया था जो 7 साल से पैरालिसिस का पेशेंट था, लकवा से पीड़ित था, उस पेशेंट का मैंने थंडर ब्लास्ट से रिजल्ट लिया है, और 7 साल से जो पीड़ित पेशेंट था उसका मात्र मैंने 3 महीने में रिजल्ट लिया है, जो 7 साल से बेड रेस्ट में था उस पेशेंट को मैंने चलता किया है, आज वो अपनी लकड़ी के सहारे अपना डेली रूटीन का काम करने लगा है। दोस्तों मैं दिल से नमन करता हूँ संजीव सर को, एसलीपीएस को, जो इतना शानदार रिजल्ट अपने इस प्रोडक्ट में है, जो एक एलोपैथिक डॉक्टर होने के नाते मैं आप सबको कहता हूँ कि बिंदास अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है, ये मैंने इस्तेमाल करके प्रोडक्ट लिए हैं। अरे अभी तो कुछ एलोपैथी वाले मान रहे सबको मना देंगे। थैंक यू सर। देखो एलोपैथी अपनी जगह बहुत अच्छी है, कंट्रोल करती है, एलोपैथी के खिलाफ नहीं। थैंक यू गुरुजी। एलोपैथी के मैं खिलाफ नहीं हूँ, एलोपैथिक डॉक्टर के मैं खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि आप लोग एलोपैथी वाले थोड़ा बहुत हमारे आयुर्वेद को भी देना शुरू करो।
भाई आप एलोपैथी से कंट्रोल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? आप एलोपैथी तो कंट्रोल करो, हम आयुर्वेद देंगे क्योर कर देंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शशि भूषण सिंह है, मैं गया जिला से बिलोंग करता हूँ, बिहार में पड़ता है। ये मेरा लड़का है, इसको बचपना से आंखों में रोशनी कम थी और रांची आरएमसीएच गया मदन मेडिकल कॉलेज, ये दोनों जगह में दोनों आंख का ऑपरेशन हुआ था, लेंस में लगा था और चश्मा लगाता था। और मेरा बच्चा को गांव वाला लोग बोलते थे कि गांधी जी है, चश्मा पहनता था, इसलिए मेरा बच्चा घर से निकलता नहीं था। आज मैं बहुत थैंक्स करता हूँ महागुरु संजीव सर को कि जो परमात्मा ने इतना बढ़िया प्रोडक्ट बनाने के लिए इनको पास नेत नीति अच्छी सही दिल से दिया, धन्यवाद सर। और मैं अभी 16 साल आर्मी में जॉब करके अभी वापस आया हूँ और मैं अपना बच्चा का दोनों ठीक कर दिया हूँ, ये संजीव सर का देन है। और अभी तक कोई चश्मा का जरूरी नहीं, कोई लेंस नहीं, कहीं तो अभी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, किसी को कुछ भी पढ़ा के चेक कर सकते हैं। आज मेरा बच्चा स्कूल भी जाता है और सही सलामत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट विशेस फॉर योर चाइल्ड एंड फॉर यू ऑल्सो। प्रदेश मेरठ जिले से रहने वाली हूँ, मेरा नाम ज्योति त्यागी है और मैं पहले तो संजीव सर को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ कि आपने वाकई आज मैं आपकी वजह से और आयुर्वेदा की वजह से जिंदा खड़ी हूँ और मेरे तीनों बच्चों के लिए मैं जिंदा हूँ। दोस्तों मैं एक साल दो साल की बीमार नहीं, मैं 10 सालों से बीमार थी, 10 सालों से। मेरे हर हफ्ते मेडिकल में 75 साल की लेडी है डॉक्टर गायनिक की, हर 7वें दिन उनके पास रहती थी, हर 7वें दिन उनके पास जाती थी। इन्फेक्शन सूजन यूट्रस में बना रहता था, गांठें छोटी छोटी थी, डॉक्टर ने भी कह दिया कि कोई बड़ी बात नहीं है। 10 साल मेरा बेटा पैदाइशी मेरा हार्ट पेशेंट है, उसका पूरा दिल बड़ा हुआ है, दिल के नीचे फेफड़ा बिचका हुआ है, बच्चों के चक्कर में अपना कभी इलाज नहीं किया और वो मेरा यूट्रस की गांठें बढ़ती चली गई, 26, 27, 28, 29 mm की 6 गांठें मेरे पेट में थी, 5 गांठें यूट्रस में और 1 29 mm की राइट ओवरी में गांठ थी। अगर मैं ये दवाई ना खा रही होती तो वो 29 mm की गांठ मेरी फटी, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा खड़ी हूं। मेरा जीवन में कभी भी मार ना हो।
हाँ माँ जी, आप भी कुछ बताओगी? बता दो माँ जी। मैं रोहतक जिले से काम भोर से रहने वाली हूँ। ये सुमन मैडम उनकी मम्मी हूँ मैं, देशवाल की। अच्छा। तो मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता था, मैं 5 मिनट भी नहीं मोड़ कर बैठ सकती थी जी। 10 मिनट खड़ी नहीं हो सकती। अब पहले जब दर्द था फिर ये कुलदीप मुदगिल और राजवीर गए हमारे घर पर, इन्होंने बताया, इन्होंने मेरे को दवाइयाँ दी गोली इसकी गोटे घुटनों की, तो मैंने 5-7 दिन नहीं ली थी। 5-7 दिन में हफ्ते में मेरा रिजल्ट आ गया था। और ठीक हो अम्मा? अब बिल्कुल ठीक हो अम्मा, जियो 100 साल। दो दुआ बजाओ ताली अम्मा के लिए। अम्मा कह रही है मैं चल नहीं सकती थी, अभी 5 मंजिल चढ़ जाती हूँ। चिंता मत कर अम्मा, 100 क्लास छोड़ ले, 10 मंजिल चढ़ जाएगी। थैंक यू। आप बताओ, 100 मिनट में बताना। तो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं असल प्लेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की संस्था का आयुर्वेदिक रस जिसका नाम है थंडर बास और कीटॉर, वो मेरे गुजरात में कुणाल जाधव साहब के जरिए से हमारे डिस्ट्रिक्ट में महेश साहब और हमारे मेरे तहसील में अरविंद सोलंकी, ऐसे मेरे घर में पहुंची है जो 13 साल से मेरी बच्ची सुन भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी। मतलब आपकी बेटी जब से पैदा हुई है, जब से पैदा हुई yes, है sir, yes, sir. तब से आपकी बेटी ना बोल सकती थी, ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी सर। सच कह रहे हो? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सच सच बता रहा हूँ। इसका 100% सर्टिफिकेट दिखाया था साहब मैंने आपको गुजरात में। सर्टिफिकेट है? यस सर। मतलब आपकी बेटी पैदा ही हुई है? बिल्कुल पैदा से है, पैदा ही हुई है। फिर क्या हुआ आगे प्रोडक्ट लेने के बाद? प्रोडक्ट लेने के बाद सर मैं 1-2 महीना मैंने तो ऐसे इसकी हरकत शुरू कर दिया। जब हरकत शुरू की, जब मेरी फैमिली ने बोला बच्चे को कुछ फर्क रहा है, मैंने ऐसा छोड़ दिया था सर कि ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन ये असले प्लेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की संस्था ने, आयुर्वेदिक रस ने आज मेरी बच्ची, मेरे को इतना विश्वास दिलाया है कि अभी ये बोलेगी भी और सुनेगी भी और आप सुनोगे भी। और सर जो मेरा टेंशन था मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ साहब, देख रहे मेरा जितना टेंशन था वो टेंशन अस्ट प्लेस वेलनेस कंपनी ने हटा दिया साहब। मैं 1000 बार सलाम करता हूँ संजीव साहब को और अपनी प्रोडक्ट को भी 1000 बार सलाम करता हूँ। धन्यवाद साहब। बोल के दिखाओ बेटा, बोल सकती हो तो। हिंदुस्तान के 109 गांव में अगली साल हर गरीब को फ्री में देगी।
गांव में मैं नहीं जाऊंगा, वो सारे गांव में आप लोग जाओगे, आप लोग चले आओगे। अरे यार मेरे भाई, मेरे फाइटर, मेरे प्यारे फाइटर, अरे तुमने इतनी मोहब्बत दी है कि अगर मेरा पास चले तो तुम्हारे नीचे लोहे भी लगा के तुम्हें करोड़पति बना दूं। दोस्तों फिर एक और खुशखबरी आपके लिए है। अरे एक बात बताओ, ये बताने का तो जरूरत नहीं अब काम क्यों करना है, बताने की जरूरत है क्या? काम एक लाइन में बताता हूं, इसलिए करना है जैसे मोदी जी कहते हैं, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तो हम कहते हैं एसपीएस वाले, मैं देश को बीमार नहीं रहने दूंगा, मैं देश को बेरोजगार नहीं रहने दूंगा। और ये हम सब मिलकर एक दिन करके रहेंगे। तो दोस्तों जब ये हम काम करते हैं, इस काम को करके ये जितने भी लोग यहाँ करोड़पति बने मेरे भाई, कोई बैंक लूट के नहीं बने, किसी का दिल तोड़ के नहीं बने, लोगों की जिंदगियां बचा के बने हैं। और ये जो करोड़पति यहाँ बना है वो टाटा का नहीं, अंबानी का बेटा नहीं, किसी मित्तल का बेटा नहीं, एक गरीब किसान का बेटा बनता है। सुभाष चंद्र बोस कहते थे ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम मुझे मेहनत दो, नेक नीयत दो, ईमानदारी दो, मैं तुम्हें कामयाबी दिलाऊंगा। दोस्तों तैयार हो? यस। अरे फट्टे चकने के लिए बाजार में तैयार हो? यस। ना रुकना है ना थकना है, बस काम करना है, काम करना है, काम करना है। एसएलपीएस कंपनी को आने वाले समय में लोग आयुर्वेद के साथ साथ लग्जरी कार कंपनी के नाम से भी जानने लगे। चिंता ना करो, चिंता ना करो, हालत खराब है बाजार की तुम्हारे नाम से। और आज देख के तो हो सकता साले रात को बेहोशी हो जाए। दोस्तों मैं सिर्फ एक आपसे दरख्वास्त करता हूं, अरे तुम हिम्मती हो, तुम मेहनती हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, कर्मठ हो, अरे पढ़े लिखे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अनपढ़ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या उम्र है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या जात है, क्या बात है, क्या धर्म है कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी इस परिवार का एक ही धर्म है, इंसानियत का धर्म, इंसानियत का धर्म, मोहब्बत का धर्म। आप हमारे हाथ में हाथ मिलाओ, हमारे साथ चलो, इस देश के लिए चलो, आप हमारे लोगों के साथ चलो। मैं सच बोल रहा हूं सर, आपकी जिंदगी छोड़ो, आपकी सात पुत्रों की जिंदगी बदल जाए। चलो समय हो रहा है, जाते जाते कुछ दे जाऊं।